मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का लोकल पर बड़ा बयान, कहा परिस्थिति देखकर एक हफ्ते के अंदर लोकल पर लेंगे निर्णय। मुंबई लोकल में आम आदमी को जल्द मिल सकती है एंटी, दो डोज लगवाने वालों के लिए लोकल शुरू करने को लेकर कैबिनेट में हुई चर्चा, मंत्री हसन मुशरफ का बयान। होटल और रेस्टोरेंट को पाबंदियों में ढील देने की मांग को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, चरणों में पाबंदियों में दी जाएगी राहत। पुणे के व्यापारियों को रात 8 बजे तक दुकान खोलने की मिल सकती है अनुमति, पाबंदियों में राहत देने की रविवार को हो सकती है घोषणा। मुंबई में चार जगहों पर बम रखने की फोन कॉल से मचा हड़कंप, अमिताभ बच्चन के बंगले सहित चर्चगेट, दादर, भाईखला रेलवे स्टेशन को उड़ाने की दी गई धमकी। बम रखने के फेक कॉल के बाद जांच में कुछ संदिग्ध नहीं आया सामने, मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में कल्याण से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बीएमसी 2022 के चुनाव की कमान संभाल सकते हैं आदित्य ठाकरे, आदित्य के नेतृत्व में शिवसेना लड़ सकती है महानगर पालिका का चुनाव। उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे राजनीति में ले सकते हैं एंट्री, शिवसेना में मिल सकता है बड़ा पद, महापौर किशोरी पेडणेकर ने दी जानकारी। महानगर पालिका के चुनाव के लिए मनसे की जोरदार तैयारी, जल्द ही राज ठाकरे करेंगे मराठवाड़ा का दौरा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में देश को दिलाया गोल्ड। मनसे भाजपा गठबंधन पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा हम गठबंधन के लिए तैयार, लेकिन पहले राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के प्रति बदले अपना रवैया। मुंबई में आज कोरोना के 331 मामले हुए दर्ज, 5 की मौत और 4196 केस एक्टिव। देश का प्रधानमंत्री कंडक्टर जैसा होना चाहिए, जो हमेशा कहे आगे बढ़ो, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में एलपीजी गैस लीकेज से मचा अफरा तफरी, 58 मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। भाजपा के आध्यात्मिक विंग के प्रमुख तुषार भोसले की सरकार को चेतावनी, कहा 2 दिन में मंदिर खोले वरना भाजपा करेगी आंदोलन। भंडारा जिले के बाद अब धुले शहर भी हुआ कोरोना मुक्त, कोरोना मुक्त होने वाला धुले बना राज्य का पहला शहर। राजकुंद्रा और रॉयन थॉर्प को नहीं मिली कोई राहत, हाईकोर्ट ने तीसरी बार रद्द की जमानत याचिका। मुंबई में सोने और चांदी के दामों में आई गिरावट, सोना 46,700 रुपए प्रति तोला, वहीं चांदी 65,000 रुपए प्रति किलो हुआ। सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बेस्ट के 74वें स्थापना दिवस पर माहिम डेपो का किया उद्घाटन, साथ ही बेस्ट के बेड़े में 24 इलेक्ट्रिक बसों को किया गया शामिल। मराठवाड़ा दौरे के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां के जैसे देश का रखते हैं ध्यान। देश के 50 करोड़ नागरिकों को लगा कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक नहीं होंगे बीएमसी के चुनाव, देवेंद्र फडणवीस का स्पष्टीकरण। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मिली मंजूरी, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। मनसे और भाजपा के गठबंधन पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा 2024 के चुनाव में भाजपा का एक ही इंजन होगा। थाने में आज आए कोरोना के 60 नए मामले, 55 मरीज हुए ठीक और एक भी मौत नहीं।